प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 3 वर्ष का सफल कार्यकाल होने पर प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालय पर आयोजन संपन्न कराए गए। इसी बीच खरगोन के भाजपा कार्यालय पर जिला प्रभारी सुरेश आर्य के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें 3 वर्ष में भाजपा द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए की गई। बताया जा रहा है कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, बड़वा विधायक सचिन बिरला सहित भाजपा नेता शामिल थे, जिन्होंने एक दूसरे को बधाई देकर मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने की बात कही। इस दौरान जिला प्रभारी ने कांग्रेस की नीतियों पर जमकर पलटवार किए। उन्होंने बताया कि कुछ लोग धर्म जाति के नाम पर सबको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कमलनाथ को भी जमकर आड़े हाथ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मेडिकल कॉलेज की अगर घोषणा नहीं है और काम चालू हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। राजगढ़ के अंदर अगर धार में, खरगोन में, राजगढ़ में और ऐसे एक नहीं मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल कॉलेज की फटाफट स्वीकृति और उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं और छोटे छोटे। सबसे पहले सीएम साहब को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हाथे बंद करने का निर्णय किया और धार्मिक स्थलों के पास से, शिक्षा संस्थानों के पास से, चिकित्सालयों के पास से, ऐसी जगहों से जहां हमारी माताएं बहनों की भीड़ होती है और स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर तकलीफ होती है, इन सब ऐसी जगहों से शराब की दुकानें हटाने का निर्णय किया। बड़वा विधानसभा में भी 14 दुकानें ऐसी हैं जो धार्मिक संस्थानों के पास है, अस्पतालों के पास है, नर्मदा परिक्रमा पथ पर है जहाँ पर भगवान के मंदिर बने बीच गांव में है, उन सब दुकानों को चिन्हित हमने किया और उसका एक पत्र आबकारी विभाग को और कलेक्टर साहब को दिया है और उनसे उन लोगों को निर्देशित भी किया कि 14 दुकानों का आप हटाइए और उन्होंने निर्णय ले रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे सब दुकानें वहाँ से हटेंगी। कहाँ स्थान है ये, कहाँ की दुकान? सनावत, बढ़वा, बेड़िया, बड़ूद, काटकूट के क्षेत्र में और सनावत के ढकल गांव, ऐसे आसपास के जो गांव हैं जहाँ पर भी दुकानें सरकार की दुकानें आवंटित की गई, उन सभी दुकानों को गांव से बाहर करने का निर्णय लेना है। ठीक। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4th कार्यकाल का 3 साल पूरे होने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जिला केंद्र पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याण की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से ये पत्रकार वार्ता थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 3 वर्षों में विशेषकर कोरोना से लेकर के अभी तक जन कल्याण की जितनी नीतियां हैं जो पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, संबल जैसी योजनाएँ उनको भी चालू करते हुए और सभी सरकारी पदों पर नई भर्तियां करते हुए और सभी कार्य को जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए बहुत स्पीड से काम शुरू हुआ है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता थी। सभी गरीब जो SC ST और OBC जनरल कैटेगरी के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी स्कॉलरशिप देने का काम किया है, बिना जाति भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास देने के काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रही है और इन सब लोगों को जो हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो SC ST OBC और उसमें भ्रमित वातावरण जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में आपको लंबे समय तक अवसर मिला था और उसमें तुमने मध्य प्रदेश को गड्ढे में ही ले जाने का काम किया है। 2003 से आज मध्य प्रदेश को हम विकसित प्रदेश बनाने में सफल हो रहे हैं। आप सब लोग जनता जनार्दन तक ये बात पहुंचाओ कि जो लोग भ्रमपूर्ण वातावरण बना रहे हैं, अगड़े पिछड़े में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, जाति संप्रदाय में हम सब लोगों को भिड़ाना चाहते हैं, उनसे हम सब लोग कहना चाहते हैं कि विकास की राजनीति करो। तुमको भी मौका मिला था, तुमने इस मध्य प्रदेश को गड्ढे में ले जाने का काम किया, जब काम बहुत अच्छा हो रहा है तो आप भी इसमें सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत। कमलनाथ जी ने कहा था कि अभी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, नंबर वन। कमलनाथ कहूँ के झूठ पटना, तो आप जानते हैं कि मशीन है कांग्रेस, झूठ का दूसरा नाम कांग्रेस है, ये सब लोग जानते हैं, उसके अलावा वो कुछ करते नहीं है। सर, ये हाथे जो शराब के बंद हो रहे हैं, आप करने का प्रयास कर रहे हैं 20 साल बाद आप
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।